राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ढूंढ ली है अक्षर की पहचान। अक्षर असली चीज है, इसमें है संसार। hey! चीजों में से झांकता अक्षर का सब चीजों में छिपा है अक्षर, आओ करे पहचान। शुरुआत से अंत तक सबका एक निशान है, इसमें अक्षर उसमें अक्षर, अपने हैं सब साथी अक्षर। आओ खेलें खेल हमारा, नाम है जिसका अक्षर मेला। जय साक्षरता। पहाड़ों से उतर के मैदान में, पहले जिंदगी के और फिर खेल के मैदान में उतरने वाले सभी साथियों का मेरा बहुत बहुत स्वागत है। मुझे यहां और वहां उपस्थित सभी लोगों को गर्व है, घमंड है और प्रेम है उन लोगों पर जिन्होंने बर्फ भरे अंधेरे में ज्ञान और अक्षरों की मशाल जलाई है। देर से ही सही, लेकिन इस रोशनी का रोशन रास्ता अपनाया है। आइए मेरे साथ स्वागत कीजिए आज इन सभी लोगों का आज के अक्षर मेला में। हमारी तीनों टीमें हिमाचल प्रदेश से आई हैं। हमारी पहली टीम है मंडी से, ये है सिरमौर की जिला बी टीम, और ये है हमारी शिमला की ए टीम। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। सबसे पहले हम मिलेंगे मंडी के स्वयंसेवक से, जिनका नाम है सतविंदर कौर। अच्छा, आप इन्हें कब से पढ़ा रही हैं? 14 नवंबर 1992 से जी। आपने क्यों पढ़ाना शुरू किया? हमें अच्छा लगा, जैसे कि हमारे गांव में जो महिलाएं थी वो बहुत ही पीछे थी, पिछड़ी हुई थी। जब हम उनके साथ जाते थे या कहीं सोसाइटी में जाते थे, तो जब सोसाइटी वाले उनके हाथ पकड़ते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था। और जैसे कि बसों पर हमारी बहनें जाती थी तो उनके साथ भी कुछ बुरा सा व्यवहार होता था जो हमसे नहीं देखा जाता था। और ये जब बुरा व्यवहार होता था इनके साथ तो इसके खिलाफ वो आवाज नहीं उठाती थी, ये क्योंकि अनपढ़ थी। हाँ जी। अच्छा। और ये अपनी आवाज को दबाए रखती थी, तो हमें देखकर ऐसा लगता था कि भाई ये पीछे हैं तो हमें इन्हें आगे लाना होगा। चलिए, और इनके साथ आए हैं अमरा, और ये हैं बीनू राम, और ये हैं पार्वती, और ये हैं पद्मा, और ये है हमारी सिरमौर जिला बी टीम। और पुष्पा, आप बताइए मुझे कि आप इन सब औरतों को पढ़ाती हैं। जब आपने शुरू की थी ये पढ़ाई, ये जो क्लासेस शुरू की थी, तो आपको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? मेरे को पहले बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। औरतों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। क्यों, क्या मुसीबत होती थी? घर से आने नहीं देते थे? नहीं, घर से तो कोई बात नहीं थी। जब इनको मैंने बताया कि साक्षरता का कार्यक्रम चला हुआ है, तो इन्होंने सोचा, मैंने इनको घर घर जाके मैंने इनसे पूछा कि आप पढ़ना चाहेंगे, कि आप साक्षरता के कार्यक्रम में भाग लेंगे, तो इन्होंने मना कर दिया। बोलते अगर सरकार हमें पैसा देती है तो हम इसके लिए काम करेंगे। लेकिन अपने लिए नहीं, ये सरकार के लिए करना चाहते थे, क्योंकि इनको साक्षरता का मतलब पता ही नहीं था कि क्या है साक्षरता का मतलब। अब इन्हें मतलब पता चल गया है और ये लोग पढ़ते हैं दिल लगा के, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। बहुत अच्छी बात है। पुष्पा के साथ आए हैं सोमी और कमलेश, और ये है नंद कौर, और ये है नसीम। इनके लिए तालियां बजा दीजिए। और ये है हमारी शिमला जिला ए की टीम। और सुनीता, आप मुझे बताएं कि आप इन्हें कब से पढ़ा रही हैं? मैं 1995 से इनको पढ़ा रही हूँ। आपने क्या सोच के इनको पढ़ाना शुरू किया? मैंने पहले एक महिला थी जो मेरे पास पढ़ने के, मतलब मैं साक्षरता अभियान से नहीं जुड़ी थी, और वो मेरे पास पढ़ने आते थे, जो छोटे बच्चों का पहले का कायदा होता है वो लेकर आते थे और मुझसे पूछते थे कि ये क्या है, अक्षरों की पहचान करते थे। तो जो उनके पति थे वो बहुत ख़राब थे, उनको पढ़ने नहीं देते थे, इसके बावजूद भी वो जो है उन्होंने चोरी छिपे पढ़ने की लगन रखी। तो मेरे मन में आया कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी महिलाएँ हैं जो इस पर्दे के पीछे छिपी हुई है, क्यों ना हम उनको एकजुट होकर आगे लाएं और पढ़ने के लिए जागृत करें। चलिए, बहुत अच्छे। इनके साथ आए हैं राधा यादव, और ये हैं द्रौपदी, और ये हैं निर्मला। चलिए, जान पहचान हो गई हमारे खिलाड़ियों के साथ। अब शुरू करते हैं आज का खेल। हमारा सबसे पहला खेल है खोजबीन। आपको क्या करना है, शब्दों की जाली में खोजबीन करनी है शब्दों की, और दूसरे जने को क्या करना है, उन्हीं शब्दों को इस बोर्ड पे लिखना है। हम सबसे पहले खेलेंगे इस टीम के साथ। और सतविंदर, आप मुझे बताइए कि आपकी टीम से खोजबीन पहचानने कौन आएगा, लिखने कौन आएगा? पहचानने आएगी पार्वती और लिखने आएगी अमरा जी। अच्छा, अमरा आप लिखेंगी। अमरा आप जल्दी जाइए और इस बोर्ड पे खड़े हो जाइए और इस स्थिति को खोज दीजिए। और कौन आएगा मेरे साथ? पार्वती, आप जल्दी आइए मेरे साथ, इधर 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 इधर, और आप यहाँ खड़े हो जाइए। और इनको पहचानने हैं
बल के नाम। और ये रही आपकी खिट, और आपका समय शुरू होता है अब। आड़ू, आड़ू कहा इन्होंने, और आप लिखते जाइए जल्दी जल्दी। सेब, आप लोग मदद कर सकते हैं पीछे। सेब, जोर से बोलो। और नाशपति, एक और खरबूज। देखो किस तरफ हो सकता है, ऊपर से नीचे हो सकता है, दाएं से बाएं हो सकता है, कहां है देखो, पहले ऊपर से नीचे देखो, फिर दाएं से बाएं देखो। एक और फल है खुबानी। हाँ, खुबानी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब बैठ जाइए, चलिए अब खत्म कीजिए, हर शब्द को खत्म कीजिए, फिर दूसरा शुरू कीजिएगा। इस तरफ है ये चिपकेगा आपसे, ठीक है? चलिए 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 कीजिए, पहले शब्द को खत्म तो कीजिए, नहीं तो उसके भी अंक कटेंगे आपके। आप आ जाइए, चलिए जल्दी जल्दी आप। ओह बस 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 बस, आपका समय खत्म हो गया। उधर आड़ू कहा, खुबानी कहा, और सेब कहा, और नाशपाती कहा। इधर ये तो नहीं है, सेब सही है और नाश भी है। यहां पर हम सिर्फ आपको एक दे सकते हैं, बाकी खत्म नहीं हुए। तो वहां चार, यहां एक, आपके हो गए 50 अंक। और आप मुझे बताइए, आपको पढ़ाई अच्छी लगती है? अच्छी लगती। आपने क्यों पढ़ना शुरू किया इस उम्र में? हिसाब किताब करना नहीं आता था जी, ज्यादा पैसे। अब ये परेशानी नहीं होती? नहीं जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हाँ बताइए मुझे पुष्पा, कि आपकी टीम से कौन पहचानेगा, कौन लिखेगा? नंद कौर खोजबीन में जाएंगे और नसीम लिखेगी। अच्छा, नसीम आप लिखेंगी। और इनको पहचानने हैं राज्य के शब्द, भारत में जो राज्य हैं उनके शब्द पहचानने। ये आपकी जाली, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए पीछे से आप मदद कर सकते हैं इनकी। चलिए देखिए, इधर ऊपर से नीचे देखिए, दाएं से बाएं देखिए, बहुत साफ साफ लिखे हैं राज्य के नाम। अच्छा आप जाइए नंदकौर वापस, जल्दी जाइए। हाँ बोलिए। दिल्ली, दिल्ली कहा इन्होंने। और राज्य, राज्य चार राज्यों के नाम हैं, पहचानिए। देखिए देखिए, ऊपर से नीचे देखिए, इतनी नहीं, इतनी बदली नहीं हो सकती, एक बार हो सकती है। आप बैठिए, चलिए बोलिए। देखिए ना, ऊपर से नीचे तक देखिए, दाएं से बाएं तक देखिए, एकदम पहचान में आ जाएंगे आपके, आराम से देखिएगा। कुछ और पहचान में आ रहा है? तीन और राज्य हैं। देखिए देखिए, ऊपर से नीचे देखिए देखिए, वहां क्या हो रहा है, इधर क्या है। चलिए वक्त खत्म हो गया आपका, आप बैठिए। ओहो आप इधर आइए। ऐसा है कि दिल्ली पहचान लिया इन्होंने, तो इधर एक हो गया, इधर एक हो गया, इनके हो गए 20 अंक। अब आप मुझे देख के बताइए और कौन से हैं यहाँ पर राज्य, किसी को मालूम है इधर? पुष्पा, हरियाणा जी। तो पहले वहां क्यों नहीं बोला जी, हरियाणा सही है। और आप बोल रही हैं? उड़ीसा। उड़ीसा वो भी सही है। एक और है देख लीजिए, आसाम। आसाम बिल्कुल सही है। थोड़ा समय लग जाता है आदत होने का कि हम लोग यहाँ पर हैं, कोई बात नहीं, अगले अगले खेल में सब ठीक हो जाएगा। आइए चलिए अब हम खेलते हैं इस टीम से, और पूछते हैं सुनीता से कि यहाँ से कौन पहचानेगा, कौन लिखेगा? यादवचंद जी पहचानेंगे और निर्मला जी लिखेंगे। इनको पहचानने हैं तिलहन के शब्द, और इनकी जाली है ये, आप देखिए। तिलना, तिल, तिल, पीछे से वो मदद कर रहे हैं, आप उनकी बात सुन सकते हैं और मुझे बोल सकते हैं। आंवला, आंवला। सरसों, सरसों कह रहे हैं। चलिए एक और है, किरंडी की आर, बहुत वक्त है आपके पास, आप आराम से देखिए। अरंडी, अरंडी, अरंडी बिल्कुल सही है यादव, आप बैठ जाइए। चलिए तिल बोला उन्होंने, आप देखिए हर शब्द को सही कीजिएगा, नहीं तो उसके भी आपको अंक नहीं मिलेंगे। हाँ एक शब्द को पूरा करके फिर आगे बढ़िएगा। चलिए जल्दी जल्दी
आपके पास 15, 14, चलिए सरसों लिखिए, चलिए 6, 5, 4, 3, 2, चलिए चलिए बस 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 आप इधर आइए। अच्छा तिल सही है आपका, ये नहीं है, और ये भी खत्म नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। इधर मैं आपको एक से ज्यादा नहीं दे सकती सही, लेकिन वहां चारों सही हैं, तो इनके हो गए 50 अंक। चलिए हमारा पहला खेल खत्म हो गया जो था खोजबीन का। बहुत खोजबीन कर ली हमने यहाँ, अब क्या करना है, खोजबीन में जो अंक मिले हैं उन्हें देखना है। मंडी जिला 50, सिरमौर जिला 20, शिमला जिला 50। अब आपके अंक तो हमने अपने बही खाते में लिख लिए, लेकिन आपको भी अपने बही खाते में लिखना है। हमारे अगले खेल का नाम है बही खाता, और आपको करने हैं हिसाब किताब के कुछ सवाल और मुझे देने हैं आपको जवाब। सबसे पहले मैं आऊंगी आपकी टीम के पास, और सतविंदर आपकी टीम में जो गणित में मजबूत हो ना उसको आप भेजिए। पद्मा जी जाएगी। चलिए आप आइए पद्मा, और जाइए अपनी खिड़की खोलिए और गणित के सवालों का हल कीजिए। जल्दी जल्दी जाइए खिड़की खोलिए, पूरी खिड़की खोल दीजिए, और यहाँ से आपके साथी आपकी मदद कर सकते हैं। चलिए 44 जमा 21 बने 58 घटा 25 बने 33 9 गुणा 8 बने 33 72 जोर से बोलिए 72 और 63 भाग 7 बने 9 बस सिर्फ 9 जीरो निकालो। चलिए ये 65, ये 33, ये 72, ये 9, इनके 40 अंक हो गए। अब हम जाएंगे सिरमौर की जिला की टीम के पास। मैंने पहली बार सही बोला। पुष्पा कौन जाएगा आप ही यहाँ? चलिए नसीम आप जाइए और गणित के सवालों का हल कीजिए। खिड़की खोलिए और ये रहे आपके सवाल। आपका वक्त शुरू होता है अब। 23 जमा 18 बने 42 23 जमा 18 बने 76 घटा 14 बने 39 ऊपर वाले में 45 15 गुणा 5 बने। चलिए यहां से मदद कीजिए रन कौर जी। 45 15 गुणा 5 बने ऊपर में 4 को लगा दो। अच्छा पीछे से प्लीज ऐसे मत कीजिएगा, पीछे से बिल्कुल ऐसी आवाजें ना आए। 15 गुणा 5 बने, चलिए चलिए 36 भाग 6 बने। बस का वक्त खत्म हो गया, आप इधर आइए, इधर खड़े हो जाइए, इधर आइए। ऐसा है कि आपका पहला सही है जो है 41, लेकिन उसे करने में इतना समय लग गया कि बाकी आपसे खत्म नहीं हुए, तो आपको मिलते हैं 10 अंक। अब जाके बैठ जाइए। चलिए मैं आपके गणित के सवालों का हल दे देती हूँ। सबसे पहला आपका सही था 41, दूसरा है 62, तीसरा है 75 और चौथा है 6। कोई बात नहीं, थोड़ी घबराहट हो गई थी, अगला खेल आप अच्छी तरह खेल लीजिएगा। अब चलते हैं शिमला की जिला के पास और पूछते हैं यहाँ से कौन जाएगा। द्रौपदी जी। हाँ, और आपका समय शुरू होता है अब। 19 जमा 38 बने, आप लोग मदद कर सकते हैं यहाँ से। निर्मला चलो, 19 जमा 38 बने 57 64 घटा 23 बने 64 घटा 23 बने 41 यादव जी कह रहे हैं 41 और 31 गुणा 3 बने 41 93 और चौथा 52 भाग 2 बने 52 भाग 2 बने। चलिए चलिए 52 भाग 2 बने। बस समय खत्म हो गया आपका। सबसे पहला है 57 सही है, दूसरा 41 सही है, तीसरा 93 सही है और चौथा 26 होना चाहिए था, सिर्फ 6 बोल दिया आपने, तो आपके हो गए 30 अंक। चलिए जी ये खत्म हुआ हमारा बही खाता का खेल। अब देखते हैं अपने अपने बही खाते में किसने क्या लिखा।
मंडी जिला 90 अंक, सिरमौर जिला 30 अंक और शिमला जिला 80 अंक। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। चलिए अब जो खेल हम खेलने जा रहे हैं उसका नाम है देखी सुनी। कुछ देखी बातें, कुछ सुनी बातें, उन्हें याद कीजिए और मुझे जवाब दीजिए। सबसे पहले हम आएंगे इस टीम के पास और आपको मैं पूछती हूं कि पांच पहाड़ियों पर फैला हिमाचल का वो कौन सा शहर है जिसका नाम एक अंग्रेज गवर्नर जनरल पर है। किसी को मालूम है? इधर शिमला। नहीं, गलत है, गलत है। अब मैं आ सकती हूँ इस टीम के पास। रेनका। नहीं, गलत है। आप लोग कोशिश करेंगे शिमला की टीम। अंग्रेज गवर्नर जनरल हिमालय पर्वत। नहीं, गलत है ये। आप लोगों को मालूम है? चलो जी। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आप लोग यहाँ मुझे बताएं सिरमौर की डिस्ट्रिक्ट के ये ऊन देने वाले खरगोश का नाम बताइए। ऊन को भी उसी नाम से जाना जाता है। रेशम। नहीं, रेशम नहीं होता। आप मुझे यहाँ बताएंगे, कोई है इधर? पश्मीना। नहीं, पश्मीना भी नहीं है। मैं वापस आती हूँ इधर मंडी की टीम के पास। पत्सम। नहीं, गलत है, गलत है। अब आप लोग यहाँ बता सकते हैं? अंगोरा। बिल्कुल सही, अंगोरा। बहुत अच्छे, इनके लिए तालियां बजा दीजिए। अच्छा, चलिए शिमला की टीम, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताएं कि रामपुर बशोहर में होने वाले इस व्यापारिक मेले का नाम बताइए। लवी का मेला। फिर से? लवी का मेला। बिल्कुल सही राधा, लवी का मेला। बहुत अच्छे। चलिए अब मेरा सवाल सुनिए आप। हिमाचल की सबसे बड़ी झील का नाम बताएं जिसका आकार नारी के रूप में है और जिसे देवी का अवतार माना जाता है। क्या बोला? रेणुका जी। बिल्कुल सही पद्मा, रेणुका जी। चलिए सिरमौर, आप मुझे बताएं दो पहाड़ों की चोटियों को काटकर बनाए गए शिमला के हवाई अड्डे का नाम बताइए। भुंतर। नहीं, गलत है, गलत है। आप लोग इधर बताएं। अनाडेल। हाँ, अनाडेल। नहीं, वो भी गलत है। मैं वापस आती हूँ आपके पास। मंडी की टीम सोचिए हवाई अड्डे का नाम बताएं मुझे। शिमला। नहीं, हवाई अड्डे का नाम नहीं है वो। यहाँ से कोई बता सकता है? आपको मालूम है? चलिए मैं आपके पास माइक लाती हूँ, आप माइक में बोलिएगा। जुब्बड़हट्टी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। चलिए शिमला की टीम के लिए ये चित्र कुल्लू में होने वाले किस त्योहार का है? कुल्लू का दशहरा। बिल्कुल सही कहा, कुल्लू का दशहरा। चलिए हमारा देखी सुनी का खेल भी खत्म हो गया। देखते हैं क्या अंक मिला किसको। मंडी जिला 100, सिरमौर जिला 30, शिमला जिला 100। अब हमें एक बहुत मजेदार खेल खेलना है जिसका नाम है 12 खड़ी। आपको क्या करना है, एक शब्द में से उसी शब्द के अक्षर, उसी शब्द की मात्राएं लेकर और अन्य दूसरे शब्द बनाने हैं। साफ साफ लिखाई में, बड़ी बड़ी लिखाई में आप लिखिएगा, जितनी जल्दी हो सके लिखिएगा। जितने शब्द आप लिखेंगे उतने अंक आपको मिलेंगे। सबसे पहले मंडी की टीम से आएंगे और मुझे बताइए सतेंद्र जाएंगे जी लिखने के लिए। पार्वती आप जाएंगी? अच्छा, तो आप जाइए, कलम उठाइए और बात तैयार हो जाएगी। आपका शब्द है हरियाली और आपका वक्त शुरू होता है। नहीं, बंद रखिए, चलिए जल्दी, जोर जोर से। याली। याली कह रही हैं? याली। आप जोर से बोलिए पद्मा। हरियाली। हरियाली शब्द है, उसमें से आपको शब्द बनाने हैं। हरी हर
बीनू राम सोचो राह हर राह चलो जोर जोर से बोलो बीनू राम आप कुछ बोलो तो सही यह हरी हरी कह रहे हैं ये हरी कोई बात नहीं फिर से हो जाएगा दोबारा हो जाएगा चलता है हल्ले हाय कह रही हैं ये हीरा बहुत अच्छे हीरा बस 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 समय खत्म हो गया हर यार हरा राह याह ये मात्रा ज्यादा लग गई तो हम इसे नहीं दे सकते आपको हरी हार और हीर इनके साथ सही है 70 अंक बता दो आप सारा मिला दो और सिरमौर जिला से मुझे बताएं कि 12 खड़ी खेलने कौन आएगा कमलेश आप जाएंगी चलिए और आपका शब्द है महारानी और आपका समय शुरू होता है अब ऑडियंस से आवाज नहीं आएगी महा जोर से महा राहा बहुत अच्छे राहा चलिए रानी नहीं क्या बोला आपने नहीं नहीं महा ये लोग बोल रहे हैं ना आप इनकी आवाज सुनिए और शब्द लिखिए महा रानी चलिए आप सोचिए ना आप सोचिए उसकी उनकी मदद कीजिए यहाँ पर क्योंकि वो लिख भी रही हैं तो घबराहट होती होगी उन्हें आप लोग मदद कीजिए हार हार कह रहे हैं ये हार नीचे हार हार सोचिए आप उधर देख के सोचिए उनको देखने की जरूरत नहीं है आप शब्द को देखिए और सोचिए हार पांच चार तीन राम दो राम कह रहे हैं ये राम बस आपका समय खत्म हो गया लाइए मुझे कलम दीजिए ये लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है लेकिन सहूलियत होती है इसलिए मैंने शाबाशी दी थी महा सही रानी सही हार सही हर सही इनके चार सही हैं इनके हो गए 40 अंक आप इसे बता दीजिए और मुझे बताइए कि शिमला जिले से कौन जाएगा यादव जी आप जाएंगे आपका शब्द है चिपकाना और आपका समय शुरू होता है अब आप लोग बोलो उनकी आवाज जानी चाहिए कप कप काना कप ये कह रहे हैं काना कप बोलो वहां देख के सोचो कप कान नाक चिपकाना और बोलो कोई बात नहीं गलती हो जाएगी बस चलते आगे चलते जाइए पकाना कान यार पहले नाप कह रही हैं ये पांच चार तीन दो पान पान बस 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 यादव आप कलम रख दीजिए और ये देखते हैं कि ये कना ये तो गलत है कप सही नाक सही कप दोबारा हो गया कान नाक फिर से नाक हो गई और ये चिपकाना तो शब्द है हमारा पकाना सही है कान नाक आपके सही है 1 2 3 4 5 6 7 इनके 7 सही इनके 70 अंक हो गए बताइए और जाके बैठ जाइए तो हमारा आज का खेल तो खत्म हुआ लेकिन देखते हैं कि किसको कितने अंक मिले और आज का ये खेल कौन जीता तीसरे स्तर पे है सिरमौर जिला 20 70 अंक लेकर अरे ये तो मंडी जिला और शिमला जिला दोनों के 170 अंक हैं अब क्या करें भाई ऐसा करते हैं कि आप दोनों के साथ हम एक और छोटा सा खेल खेलते हैं मैं क्या करूंगी कि पहले आपके पास आऊंगी और आपसे गणित का सवाल पूछूंगी आपके पास ना कलम है ना कागज है आपको 10 सेकंड के अंदर मुझे जवाब देना है तो पहले मैं आती हूं आपके पास मंडी जिला के पास हाँ सतविंदर बहुत अच्छी कर रही हूँ वो तो देखिए उधर रही हैं आप उधर देखिए आराम से और आप चारों सुनिए और मुझे बताइए 8 × 9 बने 9 × 8 = 72 अच्छा और आपके लिए सवाल है 9 × 9 बने 81
81 दोनों के बिल्कुल सही है, 72 और 81। चलिए आपका दूसरा सवाल है, 48 भाग 6 बने 8। और आपका सवाल है, 56 भाग 8 बने 8 56। बस आपका समय खत्म हो गया और इनका जवाब सही था, तो आज की जीत हुई है मंडी जिला की। आपका जवाब था 7। कोई बात नहीं, होता है ये। तो आप लोग आइए और यहाँ आके मेरे साथ खड़े हो जाइए, इधर आइए, आइए मंडी जिला की टीम, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। असंभव को संभव करने वाले और मुश्किल को आसान करने वालों को हमारा सलाम। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आइए और मेरे साथ गाइए। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। क ख घ घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। क ख घ घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों।